वेलकम बैक फ्रेंड। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेकंड यूनिट जो है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ये वाला, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था, साइटोस्केलेटन के बारे में। इसमें जो है हमने पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें जो हम माइक्रोट्यूब्यूल को जो है पढ़ रहे थे। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग ये जो है डिस्कशन कर लिए थे। हमने तीन प्रकार का साइटोस्केलेटन आपको बताए थे कि जो साइटोस्केलेटन है वो माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। कहने का मतलब एक जो सेल है उसमें जो स्केलेटन प्रोवाइड होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। जो उसको जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क उसका जो सपोर्ट करता है एक सेल को, वो तीन भागों में बांटा गया था। एक था माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। तो हम लोग जो है माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो माइक्रोट्यूब्यूल हम लोग जो है इसको पढ़ लिए थे कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है एक मेजर कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का। ये जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये इन्वॉल्व होता है किसमें, माइटोसिस सेल डिवीजन में, ठीक है। और ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मेंटेन्स ऑफ सेल के जो शेप होता है उसको ये मेंटेन करता है। और क्या इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो मतलब ये ट्यूबुलरी एक हालो लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन प्रेजेंट होता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है हम लोग आज जो है डिस्कशन जो है करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो साइटोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, फिलामेंट ट्यूब्यूल्स है। और ये जो होता है तीन प्रकार में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए थे। तो पहला था माइक्रोट्यूब्यूल जो ये हम लोगों को यही डिस्कशन करना है माइक्रोट्यूब्यूल को। और दूसरा क्या था, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और जो तीसरा था वो था माइक्रोफिलामेंट। जो तीसरा था वो था माइक्रोफिलामेंट। तो अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने कहा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसमें मदद करते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। ये जो है सेल को डिवीजन मतलब उसका सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये एक हालो लाइक स्ट्रक्चर था, इस प्रकार का एक हालो लाइक स्ट्रक्चर जो बीच में खोखला होता है। और ये बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। किससे बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। और वहीं इंटरमीडिएट के बारे में भी हम लोग बात किए थे कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो माइक्रोट्यूब्यूल के कंपैरिजन में क्या होता है, ये जो होता है
कम हालो लाइक, मतलब इसका जो ये होता है इससे कम होता है, और ये बना होता है एसिडिक प्रोटीन से। किससे बना होता है? एसिडिक प्रोटीन से, एसिडिक प्रोटीन से। और वहीं अगर हम एक्टिन फिलामेंट, तो ये सबसे पतला होता है एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ये एक्टिन मायोसिन नामक ये माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो बना होता है एक्टिन मायोसिन नामक प्रोटीन से, एक्टिन मायोसिन नामक प्रोटीन से ये क्या होता है, बना होता है। तो ये हम लोग डिस्कशन पिछले वीडियो में कर लिए थे, आज हम माइक्रोट्यूब्यूल का एक एक पोर्शन जो है अच्छे से देखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है सेल डिवीजन में मदद करता है, और इसका जो ट्यूबुलरिन नामक प्रोटीन का ये बना होता है, और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हालो लाइक स्ट्रक्चर होता है, अल्फा एंड बीटा प्रोटीनियस स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसको अरेंज करके जो है एक एक को अच्छे से देखते हैं हम। इसको अरेंज करके एक एक को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसको अरेंज करके एक एक को अच्छे से देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो मदद करता है किसमें? सेल डिवीजन में। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है मदद करता है सेल डिवीजन में। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है मदद करता है सेल डिवीजन में। तो आइए सेल डिवीजन का जो स्ट्रक्चर होता है, हम जो है एक सेल बनाते हैं, ये बना सेल, ठीक है। ये जो है मेटाफेज स्टेज हम लोग देख रहे हैं, मेटाफेज स्टेज हम लोग देख रहे हैं। ये हमारा सेल है, सेल, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम, ये प्रेजेंट होता है इसमें क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो है ये ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। और इसमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं स्पिंडल शेप के, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है। उसी प्रकार नीचे भी होता है एक सेम 90 डिग्री एंगस्ट्रांग पे ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये सेल डिवीजन में कैसे मदद करता है, ये क्या है? ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है ये, ठीक है। और इससे जुड़ा होता है स्पिंडल फाइबर। इससे क्या जुड़ा होता है? इससे जुड़ा होता है स्पिंडल फाइबर, कुछ इस प्रकार के स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इससे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये हमने जोड़ दिया स्पिंडल फाइबर को, ठीक है। सेंट्रोसोम से जो होता है स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये इसका नाम है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब ये करते क्या है?
अब ये जो होते हैं शॉर्ट होते जा जाते हैं, इनके बीच में जो है, अगर इनके बीच में अगर हम बात करें, ये वाला पोर्शन ये और ये वाला पोर्शन जो है, ये होते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या होते हैं कि स्पेंडल फाइबर जो है वो शॉर्ट होता है। ये जो स्पेंडल फाइबर है ये कैसा होता है, शॉर्ट होता है। अब ये जब शॉर्ट होगा तो ये जो क्रोमोसोम देख रहे हो, ये अपना, यानी यहां 2 क्रोमोसोम है, जब ये शॉर्ट होता जाएगा तो अपना जो है क्रोमोसोम में ऐसे 20 से क्या होंगे, फट जाएंगे और अपना अलग अलग जो क्रोमोसोम होगा वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात बट जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट डायग्राम की हम बात करें तो जो नेक्स्ट डायग्राम हमारा बनेगा वो है एनाफेज में हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो है एनाफेज। अब ये क्रोमोसोम किस तरह से फट रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है सेल का। अब इसमें जो क्रोमोसोम किस तरह से अलग हुए हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर है सेंट्रोसोम, ये भी है सेंट्रोसोम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। इस प्रकार के हैं जो क्या करता है, सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर इसी से जुड़ा होता है और सेल डिवीजन में मदद करता है। यह है सेंट्रियोल। हम अगर बात करें, यह है सेंट्रियोल। अब जो सेंट्रियोल है, अगर हम बात करें कि सेंट्रियोल किसका बना होता है, तो हम कहेंगे जो सेंट्रियोल है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है सेंट्रियोल, ठीक है। अब इतना पोर्शन हम लोगों ने देख लिया। और ये जो सेंट्रियोल है, हमने बताया कि जो सेंट्रियोल है वो 90 एंगस्ट्रॉम एंगल पे क्या होता है, रोटेट होता है। 90 एंगस्ट्रॉम एंगल पे ये रोटेट होता है। अब यहां जो क्रोमोसोम है वो इस प्रकार के कुछ बन चुका है, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस प्रकार का जो है बन चुका है, अर्थात जो है एक दूसरे से ये अलग हो चुका है। और ये क्या है, इससे जुड़ा होता है स्पिंडल फाइबर। इससे जुड़ा होता है स्पिंडल फाइबर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर की अगर हम बात करें कि जो स्पिंडल फाइबर है ये किसका बना होता है, जो स्पिंडल फाइबर है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। किसका बना होता है, जो स्पिंडल फाइबर है ये मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, या लिख सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप, यहां लिख लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप। अर्थात जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के क्या होते हैं, बने होते हैं।
अब ये क्या हुआ कि जिस तरह से जो ये स्पेंडल फाइबर है ये शॉर्ट होता गया, और जो ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, ये जो क्रोमोसोम है उसको बीच से क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी दो क्रोमोसोम थे इसने इसको बीच से इसे फाड़ दिया, अर्थात ये अलग हो गया एनाफेज में और ये सेल का डिवीजन हो गया। ठीक है, तो यहां तक जो है ये बात समझ में आया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो हम ये मदद करता है सेल के डिवीजन में। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज, जो नेक्स्ट पेज है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इस पे जो है स्पिंडल शेप जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है ये, और ये क्या है, ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम है वो सिर्फ एनिमल विदाउट मेम्ब्रेन बाउल। अगर हम इसकी बात करें कि जो सेंट्रोसोम है एनिमल विदाउट मेम्ब्रेन बाउल, एनिमल विदाउट मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये सिर्फ एनिमल ही में पाया जाता है और ये प्लांट में अब्सेंट होता है। अब वहीं अगर हम इसकी बात करें माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की, तो जो माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें जो है कुछ अरेंजमेंट दिखाई दिया। ये माइक्रोट्यूब्यूलर, ये यहाँ हम इसका डायग्राम बनाते हैं, तो जो माइक्रोट्यूब्यूलर को देखा गया तो इसमें कुछ अरेंजमेंट दिखाई दिए इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट दिखाई दिए। इसको जो है हम 9+0 अरेंजमेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि 9+0 अरेंजमेंट कैसे होते हैं, 9+0 अरेंजमेंट इसको ध्यान से समझिएगा कि जो 9+0 अरेंजमेंट हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की, जब इसमें देखा गया तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, यही वाला हम जो है पोर्शन यहां आप लोगों को अच्छे से डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है, तो जो ये क्या है, ये सेंट्रियोल है। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये है सेंट्रियोल। ठीक है, अब 9+0 अरेंजमेंट कैसे दिखाई दिए इसको अच्छे से बनाते हैं, उसके बाद जो है 9+0 अरेंजमेंट जो है किस प्रकार से होता है ये डायग्राम हम आप लोगों को बताएंगे। कुछ इस प्रकार से है ये, अब स्पष्ट होगा। ठीक है, अब ये इसको 9+0 अरेंजमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कुछ रोज दिखाई देते हैं, इसमें जो है कुछ रोज दिखाई देते हैं। अब ये जो रोज है कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, 3-3 के रोज इसमें दिखाई देते हैं।
तो इसमें कुछ इस प्रकार के 9 रोज दिखाई देते हैं, तीन तीन के कॉलम में। इस प्रकार का हुआ, ये इस तरह का हुआ, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और एक बना दे रहे हैं यहां, ये हो गया 9। ठीक है, कितना हुआ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और ये हो गया 4, 1, 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और ये हो गया 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 इसमें रोज दिखाई देते हैं। और इसके जो सेंटर है, ये वाला सेंटर, इसके सेंटर पे, यानी कि जो ये जो रोज दिखाई दिया कॉलम, इसको बोल दिया गया 9, और इसको सेंटर पे कुछ नहीं प्रेजेंट है, अर्थात इसको बोल दिया गया 0। तो यही है 9+0 अरेंजमेंट। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये सेंट्रियोल है 9+0 अरेंजमेंट, ये जो स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको सपोर्ट कौन करता है, ये आपस में इधर उधर क्या होंगे, बिखर जाएंगे। तो इसमें जो होता है, इसमें जो होता है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, उसी तरह इसको ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब ये ए क्या होता है, ये जुड़ा होता है सी से, फिर ए 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 जुड़ा होता है सी से, ठीक है, फिर ए जुड़ा होता है सी से। तो इसी प्रकार जो है एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, जिससे ये जो है जो स्पिंडल लाइक दिख रहा है, ये आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और ये बीच में फॉर्मेशन करता है किसका, ये जो बीच में फॉर्मेशन करता है बाद में जाकर हब का, किसका फॉर्मेशन करता है, हब का। और ये हब जो होता है वो एक दूसरे से ये जुड़ जाता है, जिससे इसको क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है। और ये जो एक दूसरे से जुड़ता है, इसको बोलते हैं स्पोक, क्या बोलते हैं, स्पोक। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जो एक दूसरे में क्या करते हैं, मदद करते हैं, इसको बोलते हैं स्पोक। अब इसमें अगर हम देखें कि कितने अरेंजमेंट हुए, अब ये जो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये कितना है, 9 है, 9 है। और वही 9 जो है कितने कितने गुच्छा में है, 3-3 के गुच्छा में है, तो इसको कर देंगे 3, कितना हुआ, 27। यानी कि इसमें जो स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कितने हैं, ये स्पिंडल, जो स्पिंडल लाइक है, ये इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, ये कितने हैं, 27। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने जाना कि जो है उसका माइक्रोट्यूब्यूल जो है सेल डिवीजन में किस तरह से मदद कर रहा है। तो इसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से एक बार पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।